गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे और वहां दर्शन करके आएंगे और पानी चढ़ा के आएंगे, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके आएंगे। फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर में और मैंने तोड़ लिए हैं बेलपत्र के पत्ते आज सोमवार में भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट पे बनने वाला है इडली और सांभर जैसे कि आप देखेंगे, और तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं, मैं बारी बारी सब दिखाऊंगा आपको। ये इडली के बर्तन तैयार हैं, स्टीम के लिए पानी रख दिया है। उड़द की दाल कल रात को भिगाई थी और पीसी थी, और इसमें तड़का लगा दिया है फ्लेवर के लिए, और इनमें ऑयल लगा दिया गया है बारी बारी सभी में। ये बर्तन में जाने के लिए तैयार है। इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया था, फिर इसमें उड़द की दाल का पेस्ट डाला है इडली बनाने के लिए। कम डाल, ये गाइस इसमें चार रेग आ चुके हैं और ये हमने इसमें क्लिप लगा दी है ताकि ये इधर उधर फिरे नहीं और गिरे नहीं। गाइस स्टीम होने के लिए रेडी है ये, हम इसको स्टीम कर रहे हैं कुकर में। पहले उसमें थोड़ा पानी डाला था और अब ये डाल दिया है। अब ये स्टीम के द्वारा पकेगा जैसे मोमोज पकते हैं, वो मैदे के होते हैं, ये उड़द की दाल के हैं